हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं चावल की आटा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल का आटा घर पे कैसे बनाते हैं उसे बच्चे नहीं जानते हैं, बड़े तो जानते भी होंगे पर न्यू जनरेशन वाले बच्चे बिल्कुल नहीं जानते थे। हर वक्त कंफ्यूजन में रहते थे कि बोल तो देता है लोग कि आटा घर पे तैयार कर लो पर कैसे करते हैं, तो आज मैं घर पे बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये आटा बहुत बारीक होगा और एक कटोरी चावल में आधा प्लेट आपका आटा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चावल के आटे से आप पकौड़ा में डाल सकते हैं, आप इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, फिश फ्राई कर रहे हैं तो एक चम्मच आप चावल का आटा डालिए, काफी करारेदार फिश फ्राई होती है। तो इसके कितने सारे रेसिपी में यूज होता है और बनाना बिल्कुल ही आसान है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बार बार बताते तो हैं कि चावल का आटा आप घर पे मिक्सर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने दिखाया नहीं। सो आज मैं चावल का आटा घर पे कैसे बनाते हैं वो दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी अड़वा चावल ले लीजिए और चावल को मिक्सर जार में डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे एक मिक्सर जार में डाल लीजिए। थोड़ा सा बनाना है तो छोटा वाला जार यूज कीजिए, ज्यादा बनाना है तो बड़ा वाला जार ले लीजिए। अब चलिए हम इसे पीस के दिखाते हैं। हमने इसे 2 ही मिनट तक मिक्सर जार में चलाया है, आप देख सकते हैं कितना बारीक पाउडर बन चुका है। अब इसे हम छान के दिखाएंगे, इससे भी बारीक आपके सामने दिखेगा। चलिए हम छान लेते हैं। तो हमने एक प्लेट पे एक झरनी रख लिया है, उसमें हमने जो ये पाउडर बनाया है उसे धीरे से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना चावल का आटा तैयार हुआ है और वो भी 2 मिनट में। हम एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे ऐसे नीचे पाउडर को गिरा देंगे, ऐसे ही हम आटा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारे पाउडर को निकाल लिया, थोड़ा सा इसमें चावल का टुकड़ा बचा है तो एक बार हम और पीस लेंगे या भिंगा के कोई रेसिपी में पीस के यूज कर लेंगे, ये वेस्ट नहीं जाता है। तो आप ध्यान से देखिए घर पे कितना बढ़िया अपना चावल का आटा बनके तैयार हुआ है। बच्चे तो अक्सर सुन लिया करते हैं कि चावल का आटा मिक्सर में तैयार कर लो, पर कंफ्यूज रहते हैं कैसे बनता है। सो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो पेश की हूँ। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।